हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं गेट के पेपर के रिगार्डिंग। यार यूनिक अपडेट क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो नहीं हुआ है वो इस बार ही होने वाला है। पहली बात तो ये, इस बार ही कुछ कुछ बच्चे दो पेपर अगर देना चाहते हैं तो अलाउड है, दो एग्जाम भी दे सकते हो, ठीक है। कुछ कॉम्बिनेशन है वो वेबसाइट पे है। प्लस अगर आप थर्ड ईयर में भी हो ना इस बार, मतलब आपने सेकंड ईयर जस्ट पास किया, थर्ड ईयर में आए हो, तब भी आप गेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, पेपर दे सकते हो। हमारे टाइम पे एलिजिबल नहीं था यार, 2012 से 18 तक क्या होता था, मतलब 2020 तक सिर्फ फोर्थ ईयर वाले बच्चे एलिजिबल थे और जो पास आउट्स हो चुके हैं। तो जो थर्ड ईयर में है वो भी इस बार दे सकते हैं, तो उनके लिए अच्छी चीज है। तो पूरा डिस्कस करते हैं कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है, डेट्स क्या है, एंड सो ऑन, क्या क्या दो सब्जेक्ट भी ऐड हुए हैं। गाइस अगर आप नए हो चैनल, बताना चाहूंगा यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहते हैं, प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस भी, इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस भी, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियोस को, सब चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो चेक कर सकते हो। पहली चीज क्या है, डेट्स जो अनाउंस हुई है इस बार ये फरवरी में ही लेंगे, ऐसा जैसे हमेशा होता है, कोई डेट चेंज नहीं होने वाली, उन्होंने साफ पहले ही बोल दिया है। 5 to 7 फेब गाइस डेट आ रही है, और कुछ जगह पे 12-13 फरवरी बोल रहे हैं और कुछ जगह 14 भी बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब फरवरी में ही होगा समझ के चलो। देन दो सब्जेक्ट्स और इंट्रोड्यूस हो गए हैं, मतलब अभी तक 25 सब्जेक्ट्स होते थे टोटल, अब अगर आप चाहो तो दो नई स्ट्रीम्स आ गई है, ठीक है, एक इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग और एक आपका ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे अगर आप ऑप्ट करना चाहे तो गेट दे सकते हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, एक ये अपडेट ये हो गई। नाउ गाइस सबसे बड़ी अपडेट इसमें ये निकल के आ रही है कि थर्ड ईयर वाले बच्चे यार एलिजिबल है, और इसका फायदा क्या है, देखो अगर आपने थर्ड ईयर में हो, आपने यार गेट क्लियर कर लिया, तो अभी आपकी प्लेसमेंट तो होनी नहीं है, मतलब आपने थर्ड ईयर में आए हो, आपने गेट एकदम फरवरी तक क्लियर कर लिया, तो आपकी जब प्लेसमेंट होंगी यार आपको वहां पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फायदा कैसे होने वाला है भैया, अगर गाइस आपने गेट का एग्जाम बहुत अच्छी रैंक से क्लियर कर लिया, तो ऑब्वियसली जिस भी कंपनी में आप बैठ रहे हो, बीएड उसका पैकेज 10 लाख हो या 12 लाख हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना कि गेट क्वालिफाइड है बंदा। प्लस अगर आपकी अच्छी रैंक आए तो बहुत बढ़िया बात है, तो कोशिश करना कि अच्छी रैंक आए, तो आपके लिए प्लेसमेंट में भी बहुत ज्यादा फायदा है। और यार एट द सेम टाइम जो बच्चे फोर्थ ईयर में और जो बच्चे फोर्थ ईयर पास आउट से, आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। कैसे बढ़ गया भैया कॉम्पिटिशन, एक तो अगर एक बंदा है वो दो एग्जाम भी दे सकता है, ठीक है, इसकी लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड गाइस इसी वजह से आपका कंपटीशन भी बढ़ गया, जैसे कुछ बच्चे ईसीई वाले हैं, उनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो वो ईसीई भी देंगे, कंप्यूटर साइंस भी देंगे, प्लस थर्ड ईयर वाले बच्चे भी एलिजिबल है। तो देखो ऑल ओवर इंडिया कितने सारे बच्चे बीटेक करते हैं, आप लोग भी जानते हो, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, तो वो लोग अगर थर्ड ईयर वाले भी एलिजिबल हो चुके हैं तो आप सभी के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, हर स्ट्रीम के लिए, सीएसओ, आईटीओ, मैकेनिकल हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया, फोर्थ ईयर वाले हो तो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन टफ हो गया है, और थर्ड ईयर वाले होते हैं मैं बोलूंगा जरूर से ट्राई करना, ताकि आप लोगों को इस बार आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे टाइप का एक पेपर आ रहा है, प्लस आपको प्लेसमेंट्स में भी काफी ज्यादा उसका फायदा होने वाला है अगर आप उसको निकाल लेते हो। एंड गाइस सोचो अगर आप थर्ड ईयर में और आपने क्लियर कर लिया तो कितनी ज्यादा मतलब अच्छी बात है, आप एक तो आपकी फीलिंग अलग आएगी कि यार मैंने सब में मतलब क्वालिफाई कर लिया, काफी सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं 2020 की बात करें तो 98,000 मतलब 1 लाख अगर बच्चों ने सीएससी का पेपर दिया तो उसमें से सिर्फ 17-18% बच्चों का क्लियर होता है गेट। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हो कि लेवल क्या है एग्जाम का, ठीक है, ट्राई कर सकते हो यार, अभी भी टाइम है काफी, 6-7 महीने अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करते हो तो आपको बहुत एडवांटेज होने वाले। देखो फोर्थ ईयर वालों के पास ही होता है कि उनको प्लेसमेंट्स के लिए भी उनके पास प्रेशर होता है, थोड़ा दिमाग उनका मतलब प्रेशर ज्यादा रहता है उनके पास, ठीक है, स्ट्रेस रहता है। बट अगर आप थर्ड ईयर में हो, आपके पास अभी फिलहाल टेंशन नहीं है, आपने जस्ट एंटर किया थर्ड ईयर, तो ट्राई कर सकते हो एग्जाम को। गाइस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं, मैं आपको फटाफट से 30 सेकंड्स में दिखाना चाहूँगा, और हो सकता है आगे ये अपडेट होती रहे तो वीडियोस बहुत सारे बढ़ चुके होंगे। जाओ में फिलहाल 5 वीडियोस हैं, इंटरव्यू सीरीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे, राइट। इन्फोसिस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, क्या आपके कोडिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, सो ऑन, कैसे आप जॉब ले सकते हो, क्रिप्टोग्राफी हिंदी इंग्लिश में आपको मिल जाएगी, कंपाइलर डिजाइन के गाइस बेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और वीडियोस जरूर डलेंगे फ्यूचर में। व्हाट विल बी द आउटपुट इस सीरीज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं गाइस, जिसमें मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, गेट क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए हुए हैं, बाकी अमेजन इंटरव्यू आपको सीरीज यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। प्रोग्रामिंग इन सी फॉर बिगनर्स भी आपको मिल जाएंगे, मैंने प्रोग्राम्स आपके लिए बनाए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है अगर आप सीखना चाहते हो, वेरियस वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर, पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया, लिंक लिस्ट फॉर इंटरव्यूज हर एक प्रोग्राम मैंने आपको लिख लिख के समझाया डिटेल में गाइस, कॉन्सर्ट्स कुछ डले हुए हैं ये तो चलो छोड़ो, व्लॉग्स भी हटाओ। देन गाइस जावा ट्रिकी प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स इन हिंदी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ब्रेसनैम सर्कल सब कुछ चीज़ें, फाइल हैंडलिंग, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स प्लस .NET C#। एंड बाकी अगर कोई अपडेट आती है फिर और भी आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछिएगा, ओके। एंड गाइस अगर आपको हर एक वीडियो अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक सभी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में। एंड टिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।